इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टीएमसी सांसद शांतनु सेन। आरोप लगा रहे हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री ने 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन कर दिया था और इस बार जबकि मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन ना हो। शांतनु जी, प्रधानमंत्री ने कल यही अपील की है कि हमको देश को संभालना होगा लेकिन लॉकडाउन से फिलहाल बचना चाहिए। देखिए, मेरा बात पहला दिन भी जो था आज भी वही है, आने वाला दिन में भी वही रहेगा। प्रधानमंत्री डे 1 से कोविड को सिंसियरली अगर लिए होते, पॉलिटिक्स का ऊपर अगर ह्यूमन लाइफ को इम्पोर्टेंस दिए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। केरला में जब पहला केस आया था उसके बाद जो लॉकडाउन किया था, इस बीच में 3 महीने का गैप था, उन्होंने लॉकडाउन उस टाइम क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश में उनको हॉर्स ट्रेडिंग करना था, उनको नमस्ते ट्रम्प करना था गुजरात में। लेकिन इन 3 महीना में जब केस बहुत कम था, अगर उन्होंने प्रिपेयर्डनेस ले लिया होता तो देश का ये हाल नहीं होता। सेम केस हमने देखा है, सेकेंड सर्ज जब हो रहा है तब प्रधानमंत्री जी बिजी है बंगाल में चुनाव कैंपेनिंग करने के लिए, हैज़ बिकम ऑलमोस्ट ए डेली पैसेंजर। तो इस हम लोगों के पास जो 1 साल रह गया, इस 1 साल में ना बजट में कोई कोविड फाइटिंग का स्पेशल एलोकेशन हुआ है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे हम लोग बढ़ाए उसका कोई मुकाबला, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं मिल रहा था, अभी वैक्सीन नहीं मिल रहा है। जब 45 ईयर्स के अबव जो है उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, दे आर गेटिंग रिफ्यूज्ड, वैक्सीन सेंटर के सेंटर से उन लोगों को वापस आने जा रहा है, आ रहा है, वो बोल रहे हैं 1 महीने के बाद हम लोग 18 साल के ऊपर हर एक आदमी को दे देंगे वैक्सीन। के ऊपर से आएगा, कहाँ से आएगा? हमको तो व्यक्तिगत तौर से लगता है कि इस अनदर इलेक्शन गिमिक। अभी फिलहाल बंगाल की स्टेटस क्या है, क्योंकि हम जैसे पता है कि 63,000 से ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं, ऑक्सीजन की भी वाकई में कमी हो रही है, बेड्स की क्या स्थिति है? देखिए, बंगाल में जब तक ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिक्स से ऊपर ह्यूमन लाइफ का इम्पोर्टेंस है, सो ही सी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। यहाँ पर अभी भी आपका बेड ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 48.37% है, ये कल का बुलेटिन है आपको जो दिखा रहा है, तो यहाँ पर अभी भी बेड अवेलेबिलिटी है। और हम लोग अभी वर्क फुटिंग मेजर में काम करना शुरू कर दिया, सेफ होम शुरू करना और वेंटिलेटर का व्यवस्था करना, ऑक्सीजन प्रोक्योर करके जिस तरीके से किया जाए वो करने का, डेली टेस्टिंग बढ़ाना बंगाल में हो रहा है। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा इट्स ए ग्लोबल इशू, इट्स ए नेशनल इशू एज वेल, तो एक स्टेट अकेला लड़ाई नहीं कर सकता जब तक सेंटर का मदद नहीं मिलेगा। और सेंटर स्टेप मदरली एटीट्यूड करेगा, सेंटर सोचेगा कि हमको पहले अपना कुर्सी बचाना है, हमको पहले पावर में रहना है, जनता जाए मरे या बचे इसमें हम लोगों को लेना देना नहीं है, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है। सबके बीच में आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री यहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, उधर की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दी हो, अभिषेक बनर्जी हो, टीएमसी के बाकी नेता हो, वो भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन हो रहा है। आपको शायद पता नहीं, आप पता कीजिए, अभिषेक बनर्जी जी का 24 प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, ममता दीदी का भी कलकत्ता में और आजू बाजू में जितना प्रोग्राम था कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने बोला है 26 को एक सिम्बॉलिक मीटिंग उन्होंने करेंगे, और ममता बनर्जी जहाँ पर जाती है कम से कम 40 मिनट्स वो बोलती है, जहाँ पर अभी जा रहा है 10-15 मिनट बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी बोल रहे हैं 1 दिन में 4 रैली करेंगे, हमारा रैली में 500 आदमी रहेगा, कौन गिनती करेगा 500 आदमी? प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी तो 200-300 रहता है, तो बाकी छोड़ के सिर्फ 200 पॉलिटिकल वर्कर रहेंगे, हु विल काउंट द गैदरिंग, इज एब्सोल्युटली जुमला। लेकिन ये हो रहा है कि ममता दीदी की रैली में भी खुलेआम जो कोविड प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लोग है? क्योंकि अगर राज्य में मामले बढ़ रहे हैं, बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, तो ये तो आप अगर हम वैसे जो सवाल पूछे तो ये तो सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, बीजेपी की भी है और टीएमसी की भी है। इसीलिए तो ममता दीदी, जबकि उनका चुनाव है, इनका स्टेट में चुनाव है, उनको तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बनना है, इसके बावजूद उन्होंने बोली है ना कि हमको इलेक्शन नहीं है, पहले उसको क्लब करो, 8 फेज में चुनाव क्यों? जब चंद 3 फेज रह गया था बोला 3 फेज को क्लब करो, अभी 2 फेज में बोला कि 7 और 8 फेज को क्लब करो, लेकिन इलेक्शन कमीशन कर कहाँ रहा है? नहीं करेगा जब तक बीजेपी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको ये मालूम है कि मोदी जी को यहाँ पर डेली पैसेंजर ही करना है, तो उनका वो तो मोदी जी का शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि ममता दीदी ने पिछले 3 महीने में जो बैठकें हुई हैं कोविड को लेकर के, उनमें कहीं पर हिस्सा तक नहीं लिया, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ बैठे हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ममता दीदी की जगह चीफ सेक्रेटरी रहा, अगर ममता दीदी की जगह हेल्थ सेक्रेटरी रहा, तो इसमें इट मेक्स ऑल द सेम, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री को भी अगर एक्टिव होंगे तो उससे तो ममता मुख्यमंत्री को इम्पोर्टेंस इन्होंने दिया कब? फेडरल स्ट्रक्चर को इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया कब? अगर डे 1 से फेडरल स्ट्रक्चर दिया होता, एक एक नोटिस जारी कर रहा है कि कोई स्टेट अपने से लॉकडाउन नहीं कर पाएगा, कोई स्टेट अपने से ये नहीं पाएगा। कोविड इज़ ए मल्टीपिक सिस्टम डिजीज़, जो हमने बार बार बोल रहा है, हर एक स्टेट में इसका स्थिति सेम नहीं है, तो स्टेट को इसको लिबर्टी देना चाहिए कि तुम्हारा स्टेट का स्थिति के अनुसार तुम कम करो। आप कह रहे हैं कि राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र की जिम्मेदारी? हाँ, बोल रहा है, हम तो ऐसे नहीं बोला है।
हम बोला कि ये फाइट मिलकर लड़ना है, लेकिन ये एज बिकॉज इट्स ए ग्लोबल इशू एंड एज नेशनल इशू, एक स्टेट अकेला कितना कर पाएगा अगर सेंट्रल का स्टेप मदल एटीट्यूड चलता रहे तो। साफ तौर पर ये लड़ाई मिलकर के लड़नी है, ये किसी एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, लड़ाई मिलकर लड़नी है और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस लड़ाई में जंग में जीत हासिल नहीं की जा सकती। ये कहना है टीएमसी सांसद शांतनु सेन का। कैमरा पर्सन बैजनाथ के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।